फाइनली आईसीआर काउंसलिंग 23 को लेकर ऑफिशियल कंफर्मेशन मिल चुका है, रैंक कार्ड कब आएगा बिल्कुल ऑफिशियल डेट के साथ और साथ ही साथ काउंसलिंग का शेड्यूल, ये सब कुछ ऑफिशियली बात की गई है हमारे आईसीआर डीजी डॉक्टर हिमांशु पाठक की तरफ से। काफी दिनों पहले आप सभी को आईसीआर की वेबसाइट पर एक नोटिस देखने को मिली होगी जिसको लेकर बच्चों के मन में काफी ज्यादा कन्फ्यूजन हो गया था कि रैंक कार्ड आएगा कि नहीं आएगा, कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, साथ ही साथ काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। तो आज की वीडियो कंप्लीट डिटेल के साथ ऑफिशियल कंफर्मेशन के साथ बात करूंगा आईसीआर काउंसलिंग के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ये चैनल पे आपको सारी अपडेट आईसीआर काउंसलिंग के लिए सबसे पहले और सटीक इंफॉर्मेशन के साथ मिलती रहती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले कुछ दिनों पहले एक नोटिस रिलीज की गई थी, इस नोटिस में तमाम बातें कही गई हैं, साथ ही साथ कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया गया था कि हमारा इस साल रैंक कार्ड आएगा कि नहीं। तो भाई आज की वीडियो में एक बच्ची एक सिस्टर ने ईमेल किया था हमारे आईसीआर को, ठीक है, जिसमें इन्होंने आईसीआर की रैंक कार्ड और जो हमारी पहले नोटिस आई थी उसके कन्फर्मेशन को लेकर काफ़ी कुछ बातें कही थी, उसके कन्फ्यूजन को लेकर काफ़ी सारे बच्चे कन्फ्यूज थे। तो डॉक्टर हिमांशु पाठक की तरफ से एक रिप्लाई मिला है। हिमांशु पाठक कौन है पहले मैं आपको बता दूँ, ये हैं हमारे आईसीआर एजुकेशन के हेड या फिर कंप्लीट आप समझो कि जो हमारी आईसीआर एक नॉमिनिक्लेचर बॉडी है उसके डीडीजी हैं, ठीक है, डायरेक्टर जनरल है, ठीक है, डीजी हैं, डॉक्टर जनरल हैं। और इन्होंने बताया है, वी आर वर्किंग ऑन इट वेरी सिंसियरली, द रैंक कार्ड विल बी प्रोवाइडेड टेंटिवली बाय अगस्त 25। मतलब इनका कहना है कि 25 अगस्त तक, अभी भी इन्होंने टेंटिवली ये वर्ड यूज किया है, मतलब कि एक दो दिन पहले या फिर बाद में हो सकता है। मैं पिछले काफ़ी दिनों से आप सभी से कहता आ रहा हूँ कि हमारी रैंक कार्ड आफ्टर 20 अगस्त आएगी, है ना, जब हमारा रैंक जब हमारी सीवीटी की रिजल्ट आई थी, पहले मेरे को ये एक्सपेक्टेशन थी कि 10 अगस्त तक, बट जब मुझे किसी सोर्सेज के थ्रू पता चला तो मैं अगस्त के स्टार्टिंग वीक से कह रहा हूँ कि हमारी रैंक कार्ड 20 अगस्त के बाद आएगी। और बिल्कुल वही होने वाला है कि आपकी रैंक कार्ड 20 अगस्त के बाद कभी भी, हालांकि इन्होंने एक टेंटिव डेट बता रखा है। अब ये हमारे आईसीआर के डीसी हैं तो जाहिर सी बात है इनके द्वारा कही गई बातें कहीं ना कहीं 100% कन्फर्मेशन के साथ कही जा रही हैं। इन्होंने ये भी लिखा है कि हमारा जो काउंसलिंग का प्रोसेस है उस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं और जो भी चीज़ें होंगी, यानी काफ़ी सारे बच्चे कन्फ्यूज थे कि रैंक कार्ड आएगा कि नहीं आएगा, काउंसलिंग का प्रोसेस कहीं चेंज ना हो जाए, बट मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि रैंक कार्ड आएगा। और इन्होंने ये बता भी रखा है, द रैंक कार्ड विल बी प्रोवाइडेड टेंटिवली बाई अगस्त 25, मतलब 25 अगस्त तक आपकी रैंक कार्ड रिलीज कर दी जाएगी। विश यू ऑल द बेस्ट विद काइंड रिगार्ड एच पाठक, हिमांशु पाठक। ये हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इंडिया के डेयर के सेक्रेटरी भी हैं, है ना, डीजी भी हैं आईसीआर के, और साथ ही साथ जो हमारी एग्रीकल्चरल साइंसेस अकेडमी है इंडिया की उसके प्रेसिडेंट भी हैं। तो भाई सब कुछ इन्होंने क्लियर कर रखा है, अभी किसी बच्चे को डाउट में नहीं रखा गया है। इन बच्ची ने जो पूछा था कि आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट द पैनिक, मतलब जो नोटिस आई थी वो काफ़ी कन्फ्यूजिंग भरी थी जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज थे। तो भाई क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है इस नोटिस के लेकर, उन्होंने कन्फर्मेशन दे दिया है कि 25 अगस्त तक हमारी रैंक कार्ड आ जाएगी। आपको बता दूँ, जैसे ही रैंक कार्ड आता है वैसे ही हमारी काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, और जैसे ही रैंक कार्ड आती वैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है। जैसे आज रैंक कार्ड आएगी तो अगले दिन से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, और रजिस्ट्रेशन के 5 दिनों बाद से पहली राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, ये सब प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। रजिस्ट्रेशन के जस्ट आफ्टर चॉइस फिलिंग करना पड़ता है, तो ये सब प्रोसेस जो है हमारा स्टार्ट होने वाला है। तो आप सभी को आपके काउंसलिंग के लिए ऑल द बेस्ट, एंड नोटिस पहले पब्लिक की जा चुकी थी, एक ऑफिशियल कन्फर्मेशन भी मिल चुका है। थैंक यू सो मच आप सभी को, ऑल द बेस्ट। भाई आप लोग अगर स्कोर कम है तो प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, बाकी मैंने कट ऑफ अगर एक वीडियो बना रखी है कि जिनके स्कोर कट ऑफ के ऊपर हैं वो काउंसलिंग का वेट करें, बट जिनके स्कोर कट ऑफ से कम है वो प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें। साथ ही साथ अगर आईसीआर काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल द बेस्ट, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल